कल के दिन मैंने आपको वजीरेक्स का अपडेट दिया था, जिसमें आपने देखा कि वजीरेक्स पूरा के पूरा प्रोजेक्ट एक्सचेंज हमारी क्रिप्टोकरेंसीज INR सब कुछ होल्ड पे आ चुका है। लेकिन आज हम बात करेंगे LUNC के बारे में, क्योंकि LUNC भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है जो कि बिल्कुल खत्म होते हुए हमें दिखे हैं। इससे पहले हमने FTX देखा था जो कि बेयर मार्केट में था, और LUNC यानी कि लूना क्लासिक जो कि पहले लूना था। और इसी के दौरान हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो वजीरेक्स है ये भी हैक हुआ, और हैक की वजह से क्या कि वजीरेक्स हमारे फंड्स वापस नहीं कर पा रहा है, क्रिप्टो वापस नहीं कर पा रहा है। तो LUNC की बात करें तो इसके लेकर बहुत ही पॉजिटिव अपडेट आया है, एक मेजर प्रपोजल आया है जिसकी वजह से क्या है कि LUNC का प्राइस हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। करंटली LUNC की वैल्यू $0.408687 के आसपास चल रही है। तो एक अगर हम पैटर्न देखते हैं तो रेगुलर बेसिस पर LUNC हमें प्रॉफिट भी देता है, यानी कि अगर आप रेगुलरली बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में होल्डर्स के लिए बताने वाला हूँ कि होल्डर्स को अभी क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आपने LUNC लिया था वैसे ही आपने शायद USTC भी होल्ड किया होगा। इस वक्त USTC की वैल्यू लगभग 2 सेंट के आसपास चल रही है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय अगर इसको वापस रीपैक किया जाता है तो ये वैल्यू $1 के आसपास भी जा सकती है। तो आपके पास कितने लूनास पड़े हैं, यानी कि लूना क्लासिक, और कितने USTC पड़े हैं, नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो पूरा देखते रहना, वीडियो कभी से लाइक कर दो। वॉल्फ ट्वीट पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्वीट ऑफिशियल, आप सर्च करके या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम सारी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर डालते हैं। तो अगर हम LUNC देखते हैं तो पिछले एक साल के अंदर 40% से भी ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया है, यानी कि जो कॉइन है टोटली ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि इसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और प्राइस में हमें कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता ही मिलता है। इसके रीज़न कई सारे, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स चलते रहते हैं। प्रपोजल्स का मतलब ये है कि जो वैलिडेटर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो ट्राई करें LUNC को वापस लाने का, और इसमें बाइनेंस भी हमेशा साथ देता ही देता है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ बाइनेंस का रहा है। बाइनेंस हमेशा ट्राई करता है कि इसको सपोर्ट करे। तो लूना क्लासिक की जो सप्लाई है ये बहुत ही ज़्यादा है, अगर इसकी सप्लाई को बर्न किया जाएगा तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ सकते हैं। इस वक्त अगर हम टोटल सप्लाई की जगह सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं तो 5.7 ट्रिलियन लूना क्लासिक कॉइन्स अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में हैं, यानी कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर इसको बर्न किया जाता है तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकता है। और इसमें से लगभग 50% या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं लगभग 60% की जो टोटल सप्लाई है वो बाइनेंस के पास है, यानी कि बाइनेंस अगर इसको बर्न करता है तो बाइनेंस के हाथ में क्या इसके प्राइस को भी बढ़ा सकता है। यही कारण है कि अभी जो बाइनेंस है इन्होंने अपना जो LUNC बर्न है इसके रेट को बढ़ाया है, इसके बर्न को तेज़ किया है, ताकि जो इसकी सप्लाई है सप्लाई कम होती जाए और इसी के साथ साथ क्या है कि प्राइस भी बढ़ता जाए। और इसका हमने सडन इम्पैक्ट देखा भी है, क्योंकि अगर आप एक हफ्ते का प्राइस देखते हो तो यहाँ पे लगभग 9-10% का प्रॉफिट हमें मिला है LUNC में। तो इसका मेन रीज़न है कि एक्सचेंज ने अभी फिर से लगभग 2 लाख LUNC टोकन्स को बर्न किया 5 ट्रांजेक्शन्स में, जो कि पहले 1.1 बिलियन LUNC बर्न पहले भी कर चुके हैं। और इससे जो सडन हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था वो था 2% LUNC और USTC दोनों का प्राइस बढ़ा था। तो टोटल जो सप्लाई बर्न करेगी LUNC की अभी तक, तो एक्सचेंज ने बर्न किया लगभग 65 बिलियन LUNC। इसका मतलब ये है कि अभी बाइनेंस ने अपना जो बर्न मैकेनिज्म है इसको थोड़ा रिवाइज़ किया है, ताकि जो मंथली बर्निंग है LUNC की वो और भी ज़्यादा बढ़ाई जाए। तो अगर आप नहीं जानते तो बाइनेंस हमेशा हर महीने के पहले दिन LUNC टोकन्स को बर्न करता है, लेकिन इस बार क्या है कि पूरे महीने के अंदर 6 बार टोकन्स को बर्न किया गया। इसी के साथ साथ क्या है कि बाइनेंस ने अपनी जो फीस है टेरा लूना क्लासिक की स्पॉट में और मार्जिन ट्रेडिंग में वो पहले 50% कम करी थी, अभी 100% कम कर दी है। अब इसमें और भी बड़ा कंट्रीब्यूशन बाइनेंस ने कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो बर्न किया जा रहा है वो बाइनेंस के द्वारा किया जा रहा है, हमारी जो फीस है वो लग भी नहीं रही है। तो पूरे अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीने में लगभग $97,000 के जो LUNC हैं बर्न किए हैं। यही कारण है कि हमें लगातार एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है LUNC में। अब ये तो बाइनेंस के द्वारा था, लेकिन इसी के साथ साथ टेरा लूना क्लासिक का एक और प्रपोजल अभी अप्रूव हुआ है, जिसमें मेजर गवर्नेंस और स्टेबिलिटी का प्रपोजल किया गया था, जिससे और भी ज़्यादा LUNC में हमें ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। तो करंटली LUNC को हैंडल करने वाले यहाँ पे 2-3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कॉस्मोस का इकोसिस्टम है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसी के साथ BLV लैब्स है, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि जो LUNC का प्राइस है इसको किसी न किसी तरीके से स्टेबल किया जाए। और स्टेबिलिटी के साथ साथ क्या कि गवर्नेंस की प्रोसेस और भी ज़्यादा स्टेबल होने वाली है। तो मार्केट भी आप देख सकते हैं इस वक्त बुलिश है, उसी की वजह से बुलिश का फ़ायदा उठाते हुए बाइनेंस भी यहाँ पे समहाउ सपोर्ट कर रहा है LUNC को। तो आप देख सकते हैं लूना क्लासिक की वैल्यू बढ़ रही है और USTC की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट है LUNC का, लूना का, या फिर किसी और कॉइन के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, जैसे कि अभी WRX का चल रहा है या फिर वजीरेक्स का चल रहा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको साथ के साथ जवाब दूंगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी दिया है।
उम्मीद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।